फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल एज अ मॉमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुरभि और आज का टॉपिक है कि अपने घर के काम को और साथ में बेबी को हम एक साथ कैसे संभालें। सो मैं आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स के बारे में बताऊंगी जिससे कि आप अपने बेबी को टाइम भी दे सकते हैं, साथ में अपने घर के काम भी जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो अभी न्यू न्यू मॉम्स बनी हैं वो ये समझ गई होंगी कि बेबी संभालना कोई आसान टास्क नहीं है। इसके लिए हमें पेशेंस की और साथ में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी तो बहुत ज़्यादा लगती है बेबी को संभालने में, और प्लस पेशेंस भी। मैं इसको भी बोलूँगी कि पेशेंस भी बहुत ज़्यादा लगता है। कई बार हम गुस्सा कर देते हैं कि नहीं, बेबी रो रहा है, बेबी परेशान कर रहा है, मैं कैसे काम करूँ, कैसे मैनेज करूँ सब कुछ। तो इसी के बारे में मैं आपको बताऊँगी कि आप सब कुछ कैसे संभाल सकते हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है, आप जब भी घर किचन में खाना बना रहे हो तो आप जो खाना बना चुके हो उसके बाद आप अपना सारा सामान जो भी आपने किचन में यूज़ किया है वो सारा सामान आपने अपने अलमारी में तुरंत के तुरंत रख देना है। मतलब ये वेट नहीं करना कि मैं अभी थोड़ी देर में आगे कर दूंगी। पहले मैं भी ऐसा करती थी, लेकिन अब सेकेंड चीज़ मैं आपको ये बताऊँगी, अगर आपके दो बेबी हैं, मेरे भी दो बेबी हैं, तो आपने समझाना है अपने बड़े वाले महफूज बेबी को। अगर वो 4 से 5 साल का है या 3 से 4 साल का है, वो आपके कमांड्स को मानेगा। आपको ये समझाइए कि अगर आप टॉय खेल रहे हो तो टॉय खेलने के बाद आप अपने टॉय को अपनी जगह पे रख दें। और इसमें भी ये भी बोलूंगी आपको कि आपको जो भी इस चीज़ में भी आप अपनी टॉय रखते हो, बेबी की टॉय रखते हो, वो बात उसके सामने होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट ये बताऊंगी, आप अपने काम को डिवाइड कर लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सारा काम एक ही दिन में करना है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इससे आप थक भी जाओगे और साथ में आप बेबी भी नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि आप थक जाओगे तो आप क्रैंकी होगे, तो साथ में बेबी भी रोएगा और आप भी टायर्ड फील करोगे। सो मैं बताऊंगी आपको कि आपने अपना काम डे बाय डे में डिवाइड करना है। जैसे आपने एक दिन आपने लॉन्ड्री कर ली, सेकेंड डे आपने वॉशरूम क्लीन कर दिए, थर्ड डे आपने प्रेस कर दी या कोई और काम कर दिया, ऐसे करके आपने काम को डिवाइड करिए। उससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बेबी को दे पाओगे और साथ में उनके साथ में क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर पाओगे बच्चों के साथ अपने। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो केयर और पैम्परिंग ज़्यादा मांगते हैं, इसलिए आपको इस तरह से अपने काम निपटाने हैं और साथ में अपने बेबी के साथ में इंजॉय करना है। कहते हैं ना, हैप्पी मम्मा तो हैप्पी बेबी। तो अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच। टाटा बाय।